हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। और अभी की वीडियो में बात करने वाले हैं ओरिजिनल वोटर कार्ड का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आधार पोर्टल डॉट इन की वेबसाइट से। तो आपको सिंपली अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप अकाउंट बना के रिचार्ज करके आप इसको एक्टिव कर ले। और यहाँ पे देखिए मैंने एक्टिव कर रखा है, इसमें आप मेरा टोटल 100 पॉइंट है, इससे आईडी आपका चालू हो जाता है और मैंने वॉलेट में ऐड करने के बाद आपका काम स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लॉग इन कर चुका हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है वोटर ओआरजी फोटो का। अभी मैं वोटर कार्ड डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वोटर ओआरजी फोटो पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको वोटर विथ फोटो पे जाना है और ईपिक नंबर से ही आप डायरेक्ट ओरिजिनल फोटो के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ईपिक नंबर डालने को बोल रहा है, यहाँ पे मैं कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा डाटा आ जाएगा। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखिए मेरा डाटा निकल के आ चुका है, यहाँ पे आपको डाटा मिल चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे आपका जेंडर यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ हाउस नंबर डालना है। हाउस नंबर में आप यहाँ पे देखिए मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरा वार्ड 4 है मैं वार्ड 4 लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। आप जैसे पंजाबी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो या फिर आप हिंदी भी चूज कर सकते हो, मैं हिंदी आप ही चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा जेंडर लोकल लैंग्वेज में आ गया लिख के। यहाँ पे आपको कुछ भी टैप करना नहीं है, सिंपली आपको भी ईपिक नंबर डालना है और हाउस नंबर डालना है, उसके बाद आपका पास डाटा निकल के आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए दो ऑप्शन मिलेगा वोटर लिस्ट में जाने के बाद, यहाँ पे वेट करने को लिए बोलना है। वेट करने के बाद आपको लिस्ट खोल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू ई कार्ड और ओल्ड ई कार्ड का ऑप्शन, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपको इसका सिस्टम बता दूं कि आप अगर आप न्यू जैसे ओरिजिनल वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो न्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे पूरा सर्वर के इशू वजह से थोड़ा लेट लग सकता है, लेकिन आमतौर पर जल्दी निकल जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट अपने आप मतलब ये पीडीएफ जनरेट होकर आ चुका है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना हमें, यहाँ पे ओरिजिनल हो गया। फिर आपको यहाँ पे देखिए ओल्ड जैसे पहले आता था वैसे आपको डाउनलोड करना है, तो आपको ओल्ड ई कार्ड पे क्लिक करना है। आपको एक ही बैलेंस में आपको डबल फायदा मिल रहा है, तो आप यहाँ से आप यूज कर सकते हो इस सर्विस को। यहाँ पे देखिए ओल्ड मतलब में आपको देखने को मिल रहा है। मैं अभी आपको यही बताने वाला था और आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आप इसमें आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डीएल कार्ड डीएल प्रिंट कैसे कर सकते हो, उसके बाद आप पिन फाइंड कैसे कर सकते हो इंस्टेंट नंबर। तो उस सबके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वेबसाइट पे आप जाके आप अपना आईडी क्रिएट कीजिए और आप आराम से आप काम कर सकते हो। पोर्टल